नंबर वन के ऊपर हमारी ट्रिक है, हमने अपने कंप्यूटर का आईपी एड्रेस कैसे चेक करना है। इसके लिए आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है, जो आपके कंप्यूटर में जो भी ब्राउज़र है उसको ओपन करना है। और इसको ओपन करने के बाद मैं इंटरोगेटिव मोड को ओपन करता हूँ। यहाँ पे मैंने किया गया गूगल में, और यहाँ पे मैंने टाइप किया व्हाट इज माई आईपी और किया इंटर। इंटर करने के बाद मैंने क्लिक किया व्हाट इज़ माई आईपी, ये मेरी जो है वो पब्लिक आईपी शो हो रही है, योर पब्लिक आईपी एड्रेस ये शो हो रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारी जो आईपी है वो सामने शो हो रही है। अगर हम अपनी लोकेशन को चेक करना चाह रहे हैं, व्हाट इज़ माई आईपी एड्रेस सी योर पब्लिक आईपी एड्रेस, यहाँ पे लोकेशन भी नीचे आ जाएगा। आप लोकेशन, ये नीचे लोकेशन आया, आप क्लिक करके लोकेशन को भी ऊपर भी जा सकते हैं। तो नंबर टू पे हमारी ट्रिक आती है, हाउ टू हाइड योर हार्ड डिस्क ड्राइव। हमने अपनी जो कंप्यूटर की ड्राइव है, जैसे ये शो हो रही है सी डी ई, ठीक है, इस तरह से हम इसको किस तरह ऐड कर सकते हैं। हमने इसके लिए जाना है अपने कंप्यूटर के, राइट क्लिक करना है और मैनेज में जाना है। मैनेज के ऊपर जाने के बाद आपने जाना है डिस्क मैनेजमेंट में। डिस्क मैनेजमेंट में जाने के बाद आपने क्लिक करना है जिस ड्राइव को, मान लीजिए ये सी ड्राइव है, आप इसको हाइड करना चाह रहे हैं। आपने चेंज क्लिक करना है, चेंज ड्राइव लेटर एंड पाथ्स, और इसको करना है रिमूव। तो ये विंडोज ड्राइव ही मेरे ख्याल से ये रिमूव नहीं होगी, तो हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं। और ये देखें, ये ड्राइव यहाँ पे नहीं शो, ये देखिए सॉरी, ये शो हो रही है। तो हमने अब इसको हाइड करना चाह रहे हैं, हमने क्लिक करना है चेंज ड्राइव एंड पाथ्स, और इसको कर देना है रिमूव, यस, और फिर से यस। तो ये ड्राइव जो है वो हाइड होगी, हाइड हो चुकी है। यहाँ पे आ देखो, आपने इसको फिर से शो करना है। आपने क्लिक राइट क्लिक किया और ऐड, और इसको ओके, और ये देखिए ये ड्राइव जो वो शो हो गई है। नंबर थ्री के ऊपर हमारी ट्रिक है, हमने अपने कंप्यूटर का पासवर्ड किस तरह से चेंज करना है। हमने जाना है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल के जाने के बाद हमने क्लिक करना है यूज़र अकाउंट एंड फैमिली सेफ्टी, यूज़र अकाउंट्स, और यहाँ पे चेंज यूअर पासवर्ड क्लिक करना है इसके ऊपर, और जो आपने पहले पासवर्ड लगाया हुआ है वो टाइप करना है पासवर्ड यहाँ पे, और न्यू पासवर्ड टाइप करना है। न्यू पासवर्ड टाइप करने के बाद आपने फिर से नीचे कंफर्म करना है, कंफर्म करने के बाद आपने करना है चेंज पासवर्ड। तो ये यहाँ पे ख़त्म हो गया है। तो अब हमारी जो ट्रिक नंबर फोर है, चेंज पासवर्ड नो ओल्ड पासवर्ड, आपने क्लिक करना है कंप्यूटर में और मैनेज में गए। मैनेज में जाने के बाद आपने सेलेक्ट करना है लोकल यूज़र एंड अकाउंट लोजर, लोकल यूज़र एंड ग्रुप्स और यूज़र्स और सिटी, ये हमारा यूज़र अकाउंट है। हमने किया सेट पासवर्ड और प्रोड्यूस। अगर आप पासवर्ड नया टाइप करना चाह रहे हैं तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसको इजीली ओके कर दीजिए। जो पासवर्ड है वो हमारा रीसेट हो गया है, ओल्ड पासवर्ड जो है। तो हमने किया इसको, आप देखते हैं हमारा पासवर्ड रीसेट हुआ है या नहीं हुआ। हमने किया और देखिए, ये हमारा पासवर्ड वो पूरी तरीके से री फ्रेश हो गया है, नया हो गया जो हमारा पासवर्ड है। नंबर फाइव पे ट्रिक आती है, चेंज अकाउंट नेम। हमारे जो अकाउंट है उसका हमने नेम कैसे चेंज करना है। ये हमारा अकाउंट है, उसका नेम है सिटी। हमने जाना है कंट्रोल पैनल में, कंट्रोल पैनल में जाने के बाद हमने क्लिक करना है यूज़र नेम अकाउंट फैन और यूज़र अकाउंट्स, और यहाँ पे लिखा हुआ है चेंज यूअर पिक्चर, आप पिक्चर भी चेंज कर सकते हैं। चेंज यूअर अकाउंट नेम, हमने अपने अकाउंट का नेम क्या रखना है, मान लीजिए हमने रख लिया अपने अकाउंट का नेम, चलें ये वो रखते हैं, ठीक है। ये करने के बाद हमने करना है चेंज नेम। तो ये जो हमारा अकाउंट है उसका नेम चेंज हो गया है। नंबर फाइव, नंबर सिक्स के ऊपर हमारी ट्रिक आती है, विंडोज़ डिफेंडर या विंडोज़ सिक्योरिटी को आप किस तरह से ऑफ कर सकते हैं। हमने जाना है इसके लिए सेटिंग में, सेटिंग में जाने के बाद हमने क्लिक करना है अपडेट एंड और हमने क्लिक करना है विंडोज़ सिक्योरिटी। विंडोज़ सिक्योरिटी में जाने के बाद हमने क्लिक करना है वायरस एंड थर्ड प्रोटेक्शन, यहाँ पे क्लिक करने के बाद हमने जाना है मैनी सेटिंग में। मैनी सेटिंग में जाने के बाद ये पूछ रहा है रियल टाइम प्रोटेक्शंस, यानी कि जो भी आपने मालवेयर को, जो भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, ये उसको ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करके उसकी वायरस जो है वो आपको बता देगा भाई इस सॉफ्टवेयर के अंदर वायरस है। आप इसको डिसेबल करना चाह रहे हैं, आपने करना है इसको ओके ऑन करना, ये अब ऑफ हो गया रियल टाइम प्रोटेक्शन।
नंबर 7 पे हमारी, ठीक है। सेट बिट टोकर एनी ड्राइव, आप किसी भी ड्राइव को, जैसे ये मैंने मान लीजिए ये मैंने लगा रखा है बिट लॉकर, इस ड्राइव को मैं पासवर्ड लगाऊंगा तो ये ड्राइव जो है वो आगे अनलॉक होगी। तो हमने इसके लिए जाना है, अपने कंप्यूटर को ओपन करना है। कंप्यूटर को ओपन करने के बाद हम जिस ड्राइव को बिट लॉकर लगाना चाह रहे हैं, तो ये जो है ये प्रोफेशनल में काम नहीं कर रहा, ये अल्टीमेट में ही काम करता है, अल्टीमेट या किसी और वजह में। प्रोफेशनल में ये ऑप्शन नहीं शो होता, तो मैं आपको विंडोज़ 10 में करके दिखाता हूँ। मान लीजिए ये मेरी ड्राइव है, मैंने इसको बिट लॉकर लगाना है, ये ऊपर लिखा हुआ है ट्रान नॉन बिट लॉकर, तो ये सी को बिट लॉकर मेरे ख्याल में नहीं लगेगा, तो मैंने इसको लगाना चाह रहा हूँ, इसको भी नहीं लगेगा। मैंने इसको लगाया बिट लॉकर, तो ये मेरी ड्राइव है, ये अनलॉक होगी। मैंने इसको किया राइट क्लिक चेंज बिट लॉकर, यहाँ पे आएगा इस तरह का ट्रान नॉन बिट लॉकर। ट्रान नॉन बिट लॉकर के करने के बाद आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो होगा, ये ओल्ड वाला ऑप्शन नहीं होगा। आपने न्यू पासवर्ड और कन्फर्म पासवर्ड करने के बाद ओके करेंगे तो ये आपसे जो है इसकी रिक्वेस्ट की, जिसको हम बोलते हैं अगर आप अपने विंडोज़ का पासवर्ड भूल जाते हैं, सॉरी अपने ड्राइव का, तो ये आपको रिकवरी की देता है, आप उसकी मदद से इसको रिकवर कर सकते हो। नंबर 8 पे हमारी जो ट्रिक है वो है शो कीबोर्ड ऑन स्क्रीन। आप जो अपनी स्क्रीन के ऊपर कीबोर्ड को किस तरह शो कर सकते हैं, आपने इसके लिए जाना है कंट्रोल पैनल में। कंट्रोल पैनल के जाने के बाद ईज ऑफ एक्सेस पे जाना है, ईज ऑफ एक्सेस सेंटर, Always scan this section. ये लिखा हुआ स्टार्ट ऑन स्क्रीन कीबोर्ड, Start on screen keyboard. आप इसकी मदद से भी कर सकते हो। अगर आप इसकी मदद से नहीं करना चाह रहे हैं, आपने क्लिक करना है विंडोज़ आर और यहाँ पे ओ एस के टाइप करेंगे तो आपके सामने जो कीबोर्ड है वो आपका शो हो जाएगा। इस तरह से आप शो कर सकते हो। नंबर 9 पे हमारी ट्रिक है, आप जो अपना सेंसिटिविटी डेटा उसको किस तरह से हाइड कर सकते हैं, यानी कि आपके कंप्यूटर में जो भी पर्सनल फाइल्स हैं आप उनको किस तरह से बचाना चाह रहे हैं, किस तरह से उनको गायब करना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर से। आपने क्लिक करना है ओपन और यहाँ पे इसको करना है, यहाँ पे मान लीजिए ये फोल्डर को हाइड करना चाह रहे हैं। मैंने इसको किया, प्रॉपर्टीज़ में गए, प्रॉपर्टीज़ में जाने के बाद मैंने क्लिक करना है हाइड के ऊपर, हिडन, हिडन के ऊपर क्लिक करने के बाद मैंने करना है इसको अप्लाई, अप्लाई करने के बाद ओके और ओके, ये जो हमारा फोल्डर है वो हाइड हो गया। इसके लिए आपने जाना है व्यूज़ में, व्यू में, व्यू में जाने के बाद आपने जाना है ऑप्शन में और व्यू, और यहाँ पे लिखा शो हाइडन फोल्डर, हमने इसको किया डू नॉट शो, तो ये जो फोल्डर है हमारा गायब हो गया है। अब हमने इसको शो कैसे करना है, हमने इसके लिए आप इधर से भी कर सकते हो। विंडोज़ आर को प्रेस करने के बाद आपने यहाँ पर टाइप करना है कंट्रोल फोल्डर्स, टाइप करने के बाद आपने करना है इसको ओके और व्यू में गए हम और शो हिडन फाइल्स एंड ड्राइव्स, इसको कहते हैं ना ओके, तो ये जो हमारा फोल्डर है वो शो हो चुका है। नंबर 10 पे हमारी जो ट्रिक है, आपके कंप्यूटर में कोई भी प्रोग्राम इंस्टॉल हो गया जहाँ उसके अंदर वायरस है या आपके कंप्यूटर को हैंग कर रहा है, तो आपने क्लिक करना है कंट्रोल पैनल के ऊपर और अनइंस्टॉल आ प्रोग्राम। यहाँ पे आपने कोई भी प्रोग्राम डाला है आप उसको अनइंस्टॉल कर सकते हैं। मान लीजिए जैसे VLC, मैंने इसको क्लिक किया, डबल क्लिक किया इसके ऊपर, उसको यस किया और मैंने इसको कर दिया अनइंस्टॉल, नेक्स्ट, यस अनइंस्टॉल। ये जो हमारा प्रोग्राम है वो हमारे कंप्यूटर से रिमूव हो चुका है, कुछ ही देर में ये रिमूव हो चुका है। हमने इसको किया फिनिश तो ये रिमूव हो गया है। तो दोस्तों अगर आपको ये छोटा सा वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो। अगर आपको इसमें से कोई भी ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाजमी शेयर कर दें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग इन दिस वीडियो।